एक पुलिस वाले ने इस शख्स की चलती हुई बाइक के टायर में डंडा घुसेड़ दिया। ये व्यक्ति रो रहा है अपनी टूटी हुई टांग की वजह से। दरअसल इसकी टांग इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि इसने मास्क नहीं पहना था। दोस्तों, खाकी वर्दी वालों की बर्बरता की ये कोई एकमात्र घटना नहीं है। फिलहाल देश में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। इस देश के गरीब और बेरोजगार इंसानों को जितना डर कोरोना से मौत का है, उतना ही पुलिस के नाम से लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कब वो किस बात का चालान काट दें और कब भूखे पेट पर लात मार दें। ये देखो भाई साहब, इसके थपेड़े, ये भाई के मुंह पर भी थप गया। इस छोरे ने इसका भाई 200 मारे, इसे उमगाड़ने। चलिए, हम मास्क न पहनने पर चालान काटने की बात का विरोध नहीं करते। जनता द्वारा लापरवाही करने पर चालान काटने का प्रावधान कानूनन रूप से जायज है, पर जब ये वर्दी वाले दबंगई करते हैं, लापरवाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तब इनका चालान क्यों नहीं कटता? आखिर इनके पेट पर लात क्यों नहीं पड़ती? वैसे ये भी सच है कि शेर को कभी न कभी सवा शेर जरूर मिलता है। कुछ लोग खाकी की गुंडागर्दी सहन नहीं करते। हमारे आज के इस वीडियो में आप 5 ऐसे वाकये देखने वाले हैं जब आम इंसानों ने कैमरे और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दबंग पुलिस वालों की हेकड़ी निकाल दी। नंबर 5, ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना पुलिस की है। ये हम लोग अभी कोई नहीं बोलेगा, ये हम लोग मसौढ़ी थाने के क्षेत्र में है। ये देखिए, आपकी सेवा में पटना पुलिस हमेशा हाजिर। यहाँ रात के समय चलती ओवरलोड गाड़ियों को रोक रोक कर पुलिस वाले उनसे पैसा ऐंठ रहे थे। अंडरलोड गाड़ियों से 50-50, 100-100 रुपया लिया जा रहा है। ये हाईवे है, ये दिख रहा है ना, ये हाईवे, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उन सभी गाड़ियों से पैसा लिया जाता है। बता दे, ओवरलोड गाड़ियाँ अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसना जरूरी है, लेकिन इस तरह की पुलिस के होते ऐसा होना संभव नहीं है। उनसे पैसा लिया गया है 50-50 रुपया, और ओवरलोड गाड़ी से 200-200 रुपया लेकर उसको अंडरलोड बनाया गया। ये है ASI अरविंद कुमार, ये है ASI। पैसे लेकर ओवरलोड गाड़ियों को अंडरलोड बना रहे इन पुलिस कर्मियों की वीडियो बना रहे इस व्यक्ति ने ऐसी बैंड बजाई कि हाथ में गन पकड़ा पुलिस वाला दुम दबाकर भागता हुआ नजर आया। ये देखिए, अरे गलती नहीं किया है तो काहे पैर पकड़ रहे हैं? अरविंद जी, अरविंद जी, भागे। ये देखिए, भाग रहे हैं। ये देखिए, पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये देखिए, बेहूता, ये देखिए, ये पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये देखिए। नंबर 4, किसी के पास अगर अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के कागजात ना हो तो ये लोगों के मुंह पर मुक्का मारने का शौक फरमाते हैं, लेकिन ये शौक इस बार इन्हें महंगा पड़ गया। वीडियो बना रहे शख्स ने इनकी कहकर ले ली। इन्होंने कहा गाड़ी के कागज दिखाओ, मैंने गाड़ी के कागज दिखाए, इंश्योरेंस नहीं था। इन्होंने कहा इंश्योरेंस दिखा, मैंने कहा भैया कोई क्राइम थोड़ी किया है इन भैया ने, ये अरुण गिरी जो है यहाँ पे कुट मारा है जी। तुमने मुंह पे कुट मारा है। यहाँ अरुण गिरी जी के सीनियर अफसरान भी आ पहुंचे जिन्होंने उसे समझा बुझाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब लड़का नहीं माना तो इन्होंने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की। लड़के को कहा गया चलो तुम्हारी डॉक्टरी जांच करवा कर पता कर लेते हैं कि मुक्का पड़ा है या नहीं। भैया आपसे उम्मीद नहीं थी और आपने आके भी गलत बात करी है, आपने कहा कि तेरे कहने से मार दिया, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? डॉक्टरी करा देता हूँ और क्या, विश्वास कब हो जाएगा तुम्हें? अच्छा, गुट में आ जाएगी डॉक्टरी, और डॉक्टरी में सब सच तो बताया। ऐसे में जब उसने कहा कि यहाँ खड़े सब लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा है तो पुलिस वाले कहने लगे कोई गवाही नहीं देगा। ये सब देख रहे हैं, सब देखेंगे, सब लोग हैं, सब देखेंगे। तुमने गुट मारा, वहाँ पे भी लोग खड़े थे जब गुट मारा मेरे कहलवान ने तुम्हारी वर्दी की। ये तो बदमाशी है ना, कहलवालों कोई बोल जाए तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कहलवालों कोई बोल जाए तो तुम माफी मांगोगे? यहाँ ये बहादुर लड़का माफी मंगवाने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन दरोगा साहब ने माफी नहीं मांगी और मैदान छोड़कर भागते दिखे। ये देखो कैसे भग रहे हैं अब, ये देखो बड़े बदमाश बन रहे थे जब, तो यहाँ लोगों के सामने के मैं पुलिस में हूँ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बस हो गई? हाँ भाई अहमद जी, हो गई? अब भगने की पड़ गई? हाँ भाई, ये लो अब भग रहे हैं, ये पहले बदमाश बन रहे थे अब भग रहे हैं। नंबर 3, वर्दी वालों का रौब ऐसा होता है, साहब की सब्जी बेचने के बाद या फिर रिक्शा में बैठने के बाद गरीब आदमी इनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं करता। कुछ ऐसा ही होता है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो में दिखाई दिया कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपनी मंजिल पर
पहुंचने के बाद बिना किराए दिए चल पड़ी। किराया नहीं दोगे आप इनका? किराया नहीं होता क्या पुलिस वालों का? भाई आड़े तो उड़े भी आया। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक बात बताओ ना, आप पुलिस में हो, इसका तेल लगा है, तो आप किराया नहीं दोगे क्या? हरियाणा में पुलिस की मनमर्जी का ये वीडियो हिंदुस्तान लाइव चैनल के एडिटर प्रवीण गौतम ने रिकॉर्ड किया और इस महिला पुलिस कांस्टेबल को किराया देने पर मजबूर कर दिया। आप किराया, मतलब पुलिस वालों का कोई वो नहीं है, इनका तेल नहीं लगता, तेल कितना महंगा होता जा रहा है, आप किराया दे दो। नहीं आप किराया दे दो, वीडियो बनाऊंगा ना मैं, वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा, आप किराया दे दो। बिल्कुल भी नहीं पूछा किराया है कि नहीं, ये नहीं मांगेंगे, ये डरते हैं पुलिस वालों से, मैं जानता हूँ डरते हैं। नहीं नहीं आप अब तो चल दिए थे, ऐसे कैसे मतलब। नंबर टू, हेलमेट नहीं पहनोगे तो खाने पड़ेंगे थप्पड़ पे थप्पड़, शायद यही नारा है इस वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस वालों का। थप्पड़ कैसे मारने का बंदा, कल को इसके ऊपर मारा, हमारे ऊपर मारेगा कल को? थप्पड़ कैसे मार दिया, थप्पड़ कैसे मारा साले ने, देखियो साले का लाल कर दिया पूरा, देखो साफ दिख रहा है, पूरा लाल हो रहा है। उदास मुंह लिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे इस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसे अपने गाल पर थप्पड़ खाकर लाल करवाने पड़े। आ जाओ भैया, दो चार लोग और आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थप्पड़ क्यों मार दिया? थप्पड़ कैसे मारा उसने? थप्पड़ मारने का हक नहीं है भैया किसी को, तुम चालान कर सकते हो बस। थप्पड़ क्यों मार दिया? बता दे, कानूनन रूप से हेलमेट नहीं पहनने पर आपका चालान कट सकता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इसके चलते आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। इस लड़के के साथ हुई नाइंसाफी का विरोध यहाँ खड़े एक जाबाज शख्स ने किया, जिसके चलते पुलिस वालों की हेकड़ी निकल गई और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इधर सुनो, इधर दरोगा जी, दरोगा जी, सर जी, बंदा तुम्हारा थप्पड़ कैसे मार रहा है? इसको मार दिया ये बंदा, थप्पड़ मार इस बंदे का गाल, गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, थप्पड़ मार रहा है, गुंडागर्दी चल रही है। पहले मेरी बात, इसे सॉरी बुलवाओगे आप? अभी मैं सॉरी बोलेगा 10 बार। नंबर वन, पुलिस वालों को अक्सर पार्क्स में बैठी प्रेमी जोड़ों को परेशान करते हुए देखा गया है। वे उनके पास पहुंचकर उन्हें डराना शुरू कर देते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे न देने पर घर वालों से बात करवाने की धमकी देने लगते हैं। ऐसे में घर वालों के डर से कपल्स भी 1,000 या 2,000 रुपए देकर इनसे पीछा छुड़ाने की सोचते हैं। इस अगले वीडियो में भी पुलिस वाले आपको कुछ ऐसा ही करते दिखाई देंगे। यहाँ पुलिस पार्क में बैठे एक कपल से पैसे ऐंठने की फिराक में थी, लेकिन किस्मत से यहाँ एक वकील साहब भी घूम रहे थे, जिन्होंने मोर्चा संभालते हुए पुलिस वालों की बैंड बजा डाली। भाई साहब आपका नाम क्या है, आप बताओ पहले आपका नाम क्या है, आप क्यों क्या पूछ रहे हो इनसे? क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? वैसे कर रहे हैं। वैसे कैसे मतलब, क्या आए हो किस लिए? कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? इनसे आपने इनका आगे इनका नंबर ले लिया किस लिए? बात हुई जी मम्मी से, बात करा। क्यों कराए बात मम्मी से? क्यों पूछा नहीं आप बताओ ना, क्यों कराए मम्मी से बात? आपके पास कौन सा सर्कुलर है? मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की के साथ घूमता है क्या वो आवारा करती है? आवारा करती थोड़ी पूछ रहे भाई, किस बात में पूछ रहे हो? क्रिमिनल है, क्रिमिनल वाली कोई बात थोड़ी। यार भाई साहब मैं वही पूछ रहा हूँ।